लक्ष्मी के कदम मनहूस है इस घर के लिए। लक्ष्मी भाग्य नहीं है इस घर का, और लक्ष्मी भाग्य में भी ये घर नहीं है। अब मैं कुछ बोलूं? तुम जो लक्ष्मी को बुरा साया बोल रही हो, जिस वजह से बिजनेस में हमारा इतना नुकसान हुआ, मुझे एक बात बताओ कि ये नुकसान हो क्यों रहा है? देखो, मैं बिजनेस के बारे में या उसे चलाने के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं सुनती रहती हूँ अविनाश ऋषि और आयुष से। ऋषि का कोई ना विदेशी क्लाइंट है जो उसका पैसा बहुत देर से वापस नहीं करता। वो पैसा जिस पैसे से ऋषि ने विदेश में होटल बनाया था, और ये पैसा ऋषि ने मार्केट से उठाया था, और हम अभी तक उसका ब्याज दे रहे हैं। और ऋषि का एक्सीडेंट भी हुआ था, बहुत सीरियस। डॉक्टर ने हमसे हॉस्पिटल में कहा था कि दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है। और ये जो तुम अशुभ मनहूस बुरा साया बोल रही हो लक्ष्मी को, उस बच्ची का तो हमें अता पता भी नहीं था। हम तो यही समझ बैठे थे कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन तुम तो बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। पर वो थी, वो इस दुनिया में थी। जब ये सब कुछ हो रहा था, लक्ष्मी इस दुनिया में थी, और हो सकता है कि वो हमारे घर में वापस आने के बारे में सोच रही होगी, और हमारा बुरा होने के लिए इतना ही काफी था। आप खुद सोचिए बब्बी जी, उसके सिर्फ सोचने से हमारा इतना बुरा हो गया। आप मान लीजिए मम्मी जी, विश्वास कीजिए हमारी बात पर। विश्वास तो मुझे इस बात का नहीं हो रहा नीलम, कि ये तुम्हारी सोच है। मैं मानती हूँ कि घर तुम्हारा है, तुमसे ये घर है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं, लेकिन लक्ष्मी इस घर में रंग भर देती है। इस घर को लक्ष्मी रोशन कर देती है, नई जान डाल देती है वो। ठीक है, तो आप हमें बताइए आप क्या चाहती हैं। भाभी, करिश्मा, बताने दो इन्हें, बताइए क्या चाहती हैं। सिर्फ चाहने से कहाँ सब होता है, और कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो मेरे चाहने से क्या ही होना है। इसलिए मैं अपनी चाहत को शब्दों में बयां करके बेकार नहीं करना चाहती। वैसे मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी चाहत क्या है, ये तुम अच्छे से समझती हो। तुम क्या? बाकी सभी बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है कहने के लिए या सुनने के लिए।